बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी तमाम मुश्किलें परेशानियाँ हम सुने और उसका हल इस्तखारे के ज़रिए निकाल सकें। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से शुरू करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर शख्स को अपने रब से सब हाजतें मांगनी चाहिए। और एक और रवायत में है, यहाँ तक कि अगर नमक खत्म हो जाए वो भी अपने अल्लाह से मांगना चाहिए, जूती का तस्मा टूट जाए वो भी आप अल्लाह से मांगे। तो छोटी छोटी चीज़ों में हम अक्सर दफ़ा सोचते हैं कि ये बात तो पता नहीं कितनी छोटी सी हकीर सी है, या अक्सर लोग इस चीज़ को अहमियत भी नहीं देते। ठीक है, घर में नमक भी खत्म कर देते, या अल्लाह नमक अता फरमा दे, या अल्लाह जूती का तस्मा अगर टूट जाता है या अल्लाह जूती अता फरमा दे, जूती का तस्मा। अल्लाह पाक नहीं, कोई भी अल्लाह पाक छोटी से छोटी दुआ के लिए अपने बंदों के लिए जो उनसे मेहरबान है उनकी मेहरबानी आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है। घर में किसी चीज की कमी हो जाए घर में अल्लाह पाक से मांगे, यहाँ तक कि घर में रोटी नहीं है अल्लाह पाक से मांगे, सालन नहीं है अल्लाह पाक से मांगे, किसी चीज की भी आपके घर में कमी है अल्लाह पाक से मांगे, दिलों में मोहब्बत नहीं अल्लाह पाक से मांगे, दिलों में प्यार नहीं अल्लाह पाक से मांगे। अगर कोई भी ऐसा मसला है जो हम देखिए, परिंदों की जुबान भी अल्लाह पाक समझते हैं और इंसानों की जुबान भी अल्लाह पाक समझते हैं, हर किसी की जुबान अल्लाह पाक समझते हैं, तो किसी भी तरह आप अल्लाह पाक से मांगे, अपने अपने दिल की फरियाद, अपना दोस्त आप अल्लाह पाक को बना लें, आपका मसला हल हो जाएगा। तो परेशानी तो रहेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आप थोड़े में भी खुश हो जाएंगे, एक जर्रे में एक नवाले से भी खुश हो जाएंगे, उसको भी दिल करेगा कि जब अल्लाह से तल्लक बनते हैं ना, उस नवाले को भी दिल करता है अपना अल्लाह की राह में जो इंसा है वो दे दे। तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक से हर चीज का तल्लुक अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक से मांगे, दुआ करें, गिड़गिड़ाएं, रोएं। जैसे बच्चा जब माँ से कोई चीज लेता है ना तो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है, इसी तरह आप अल्लाह पाक से बेचैन हो जाए, यकीन माने आपका मसला हल हो जाएगा। आज जो मैं अमल आपको वजीफा अमल जो है आपको बताने लगी हूँ, अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत और करम आपके साथ जुड़ जाएगा। नक्श मुबारक अल्लाह के नाम का है। सबसे पहली बात, जिस तरह ये नक्श बना है बिल्कुल इसी तरह बनाना है। तीन नक्शों का मजमुआ है ये, ठीक है। या अल्लाह का ये नक्श है, विर्द भी या अल्लाह का करना है। जब नक्श बनाने लगे आपने 300 मरतबा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह पढ़ना है, और नीचे आपने अपना नाम लिखना है, अपनी वालदा का नाम लिखना है, अलाहुब लिखना है, और जिसके लिए ये अमल किया जा रहा है उसका नाम लिखना। तालिब और मतलूब को बेकरार करने का ये अमल आज मैं आपको बता रही हूँ। अगर तो मतलूब के यानी जिसको आप तलब करना चाहते हैं, जिससे आप उन्स रखते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का मसला है, ठीक है, या शादी का कोई मसला है, कोई भी ऐसा मसला है, अगर उनका कोई चीज, कोई गिफ्ट आपके पास है, कोई तोहफा आपके पास है, तो फिर ये अमल बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। अगर ये नहीं भी कर सकते, अगर उसका कोई तोहफा आपके पास नहीं है, या कोई कपड़ा, कोई ऐसी चीज वो आपके पास नहीं है तोहफे के तौर पे जो होती है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप कोई खुशबू का तेल ले लें, चमेली का ले लें, गुलाब का अतर ले लें, कोई जैसे बहुत प्यारे प्यारे खुशबू वाले अतर जो होते हैं वो ले लें, एसेंशियल ऑयल ले लें। याद रखें कि अल्कोहल जो सा है, जो परफ्यूम होते हैं, वो चीजें इस्तेमाल ना करें, तो वो आप ले लें। अब इस नक्श को बना के ना आपने, ठीक है, और जिक्र करना है, ठीक है, जिक्र करते करते या अल्लाह 300 मरतबा पढ़ना है, कम से कम नक्श बनते बने 300 मरतबा आपने पढ़ लेना है। अगर फर्ज करें नक्श जो सा है बनने में भी बाकी है और 300 मरतबा हो गया तो पढ़ते रहे, अगर नक्श बन गया है तो फिर स्टॉप करते, लेकिन उसकी हदूद है कम से कम 300 मरतबा ये नक्श जो सा है बनाना है, और रुख अपना दरवाजे की तरफ रखना है, ये भी याद रखें, जाए नमाज पर बैठ जाए, रुख आप अपना दरवाजे की तरफ रखें, और नक्श या अल्लाह का आपने जो सा है तैयार करना है। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन, फिर सीधे हाथ से शुरू करके और उल्टे हाथ पर नाम पर खत्म कर दें। नक्श तैयार हो गया, इसको आप अतर वाली शीशी में ऐसे छोटा सा बिल्कुल बनाइएगा ताकि फोल्ड करके आप उसके अंदर रख सके, ठीक है, उसके अंदर। अब आपने क्या करना है, रोजाना 3 दिन का ये अमल है। अब जिस डब्बे के अंदर या जिस बोतल के अंदर आप नक्श रख के अतर डाल के नक्श में रख देंगे, रोजाना आपने इसको इसके अंदर पानी ऐड करना है,
पानी डालना शुरू करना है, 3 दिन इसमें पानी डालना है, ताकि जिस बोतल या जिस गिलास या जिस जो है शीशी के अंदर आप डाल रहे हो वो भरना शुरू हो जाए। 3 हिस्से बनाइएगा और 3 दिन में इस पानी को इसके अंदर डालना शुरू कर दीजिएगा। और यकीन माने जो भी प्यारा होगा उसके दिल में अल्लाह की तरफ से ही अल्लाह के नाम की ऐसी चमक ऐसी बरकत होगी कि वो प्यारा आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएगा। वो नाराज भी है तो आपसे खुद ही मान जाएगा। अगर आप शादी के लिए अमल करें, अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस नाम के साथ जुड़े हुए आपका नाम जुड़ा है जिससे आप शादी करना चाहते हैं उसके लिए अमल कर सकते हैं। अगर कोई प्यारा ऐसा नाराज है, चलिए आप मैं एक बहन हूँ, एक पर्दे की बात है, तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि अगर कोई माँ और बेटी का मसला है, बेटी नाराज है तो वो माँ कर सकती है, और अगर कोई बेटा नाराज है अपनी माँ के लिए करना चाहता है तो वो कर सकता है। बीच में सभी रिश्ते आ जाते हैं, आप भी इस चीज को समझ सकते हैं। तो ये आप करें, इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म ऐसा होगा कि आपका मसला 3 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह हल हो जाएगा। एक दफा ये जरूर अमल कीजिएगा। इस अमल का टाइम कोई नहीं है, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, वैसे मगरिब के बाद करें या ईशा के बाद करें, ज्यादा नहीं, आप किसी दिन कर सकते हैं। तो ये अमल जरूर की दीजिए। और अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या कोई नक्श आप लेना चाहते हैं तो अपनी बहन को याद कर सकते हैं। मुझसे जहाँ तक हो सका मैं प्यारे बहन भाइयों, ये मदरसा फातिमा तज़हरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के नाम से बड़े मान से हमने रखा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ फेक नहीं है, लोगों की तरह कोई झूठ नहीं है, लोगों की तरह कोई ऐसे तावीज़ात जादू तावीज गंडे नहीं है, सिर्फ माँ सिवाय अल्लाह है और अल्लाह का कलाम है। तो आप बहन से मदद हासिल कर सकते हैं, मदरसे से मदद हासिल कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैरा। मदरसा फातिमा तज़हरा लिल बनाना।